Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our second session for direct and indirect, or I can say just reported speech. In the previous session, we discussed the very basic things related to direct and indirect speech. In this session, we'll be taking more examples, we'll learn more concepts for this. So let's begin the session and just note down the important points, right? Jo bhi maine conversion aapko last सेशन में बताए हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में होता है, और टाइम के जो फ्रेज है वो कैसे चेंज होते हैं, वो सब आप नोट डाउन करिए, ठीक है? तो हर अगले सेशन के साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी स्ट्रांग होते जाने चाहिए, ठीक है? बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिपोर्टेड स्पीच, चाहे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या डे टू डे लाइफ के लिए अगर आपको यूज करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. नाउ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यहाँ पर सपोज आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. ही सेड, आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओके, और दूसरा है ही सेज I am not feeling well. Now, what is the difference between the two? ये जो है यहाँ पर said है, यहाँ पे says है. Precisely, reporting जो verb है, या फिर जो हम कह सकते हैं principal verb, जो है वो यहाँ पर past tense में है, यहाँ पर present tense में है, ठीक है? तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा, वहां पे सब जगह प्रिंसिपल वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो हम कह रहे हैं वो सब पास्ट टेंस में थी. तो सारे जो ये जो डायरेक्ट स्पीच में जितने भी यहाँ पे जितने भी टेंसेस है वो सब कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है? सो अभी अगर ये पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो चेंजेस है वो अलग तरह से होंगे. तो आप जस्ट ध्यान से समझिए, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो जो सारे प्रेजेंट टेंसेस है डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, ठीक है? जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस. लेकिन अगर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, देन द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, ठीक है? अब जैसे इसका अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच मुझे लिखना है, ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. लेकिन अगर इसका लिखना है तो क्या लिखूंगी, ही सेज ही इज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है? तो ये जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है. आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है. अगर प्रेजेंट में है तो टेंसेस में जो चेंजेस है वो नहीं होंगे, पास्ट में है तो टेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होते तो वहां पे इस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुआ, शी इज नॉट फीलिंग वेल. लेकिन इसका क्या हुआ, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. ओके, आई जस्ट टेक सम मिक्स्ड एग्जाम्पल्स ओवर हियर. यहाँ देखिए, अभी ये जो एग्जाम्पल, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट है, नॉट सिंपल पास्ट. सो ही सेज रमेश इज अ गुड प्लेयर. तो हम क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेज रमेश इज अ, ही सेज दैट रमेश इज अ गुड प्लेयर, ठीक है? जो टेंस है वो इसका चेंज नहीं होगा. और दूसरा कोई चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया हुआ नहीं है, तो इसलिए और दूसरे कोई चेंजेस भी नहीं होंगे. सो ही सेज दैट रमेश इज अ गुड प्लेयर. सिमिलरली रमा सेज दैट अनुज सेंग अ सॉन्ग. रमा सेज, अगेन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट है. रमा सेज दैट अनुज सेंग अ सॉन्ग, ठीक है? सिमिलरली यू विल से, यहाँ पर भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट नहीं है, मतलब सिंपल पास्ट नहीं है, तो ये भी एज इट इज रहेगा. सो यू विल से दैट अनुप वर्क्स हार्ड. ओके, यू विल से दैट अनुप वर्क्स हार्ड. यू विल से, सिर्फ दैट आपको कंजंक्शन यूज करना है और एज इट इज पूरा सेंटेंस आपको रीराइट कर देना है. सो यू विल से दैट अनुप वर्क्स हार्ड. काम्या विल से दैट मेनका विल स्विम इन द रिवर. ओके, काम्या
विल से दैट मेनका विल स्विम इन द रिवर. ही सेट. अब यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में आ गई है. अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई है तो जो हमने पिछली बारी जितना जितना भी डिस्कस किया था वो सारा यहाँ पे अप्लाई करना होगा. अब ही सेट दैट कमल रेड वेल. रीड्स रीड का जो पास्ट टेंस होगा दैट इज रेड. सो ही सेट दैट कमल रेड वेल. ही सेट दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग. ही सेट दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग. ओके. द सर्वेंट सेट दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड. हैज अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट. तो हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है. सो द सर्वेंट सेट दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड. द वॉशरमैन सेट दैट इट हैड बीन रेनिंग. हैज बीन की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. सो द वॉशरमैन सेट दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. द बॉय सेट दैट द टीचर डिड नॉट कम. द टीचर डिड नॉट कम सिंपल पास्ट है. सो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. द बॉय सेट दैट द टीचर हैड नॉट कम. द टीचर हैड नॉट कम. आई सेट दैट आर्यन वॉज की जगह क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लेइंग. पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. सो आई सेट दैट आर्यन हैड बीन प्लेइंग. ओके. बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. यू सेट दैट कोमल. केन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में. यू सेट दैट कोमल कुड लिफ्ट द बॉक्स. बहुत सिंपल. कोमल कुड लिफ्ट द बॉक्स. द टीचर सेट दैट मान्या माइट गो. में किस में चेंज हो जाएगा? माइट में, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में. द टीचर सेट दैट मान्या माइट गो. आई सेट आई शेल वर्क हार्ड. आई सेट दैट आई वुड वर्क हार्ड. और शुड भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सजेशन क्या हो रहा है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए. तो आई शेल वर्क हार्ड की जगह आप जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे आई शुड भी लगा सकते हो. सो आई सेट दैट आई शुड वर्क हार्ड. ही सेट द बॉय बॉयज विल राइट लेसन्स. ही सेट दैट द बॉयज वुड राइट लेसन्स. विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड में. सो ही सेट दैट द बॉयज वुड राइट लेसन्स. ठीक है. तो पिछली बारी के मुकाबले आपने नया क्या सीखा? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में नहीं हो तो जो आपका सेंटेंस है या जो भी आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. बाकी पूरा जो प्रोनाउन का जो चेंज होना है वो सब वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. तो दिस वॉज समथिंग न्यू इन दिस एक्सरसाइज. ओके. नेक्स्ट इज वापस आप एक जो नया रूल है वो नोट कर लीजिए. जब भी हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर पास्ट में कोई इवेंट है जो हो चुका है और अब उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, तो ऐसे सब सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो फर्दर टेंस जो है वो चेंज नहीं होता. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे है श्रेया सेट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अब द अर्थ मूव्स राउंड द सन दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. ठीक है. तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट है इसकी वजह से इसके जो टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंज नहीं होगा. तो सिर्फ कितना हो जाएगा? शीला सेट दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. श्रेया सेट दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. ओके. सिमिलरली मैन इज मॉर्टल. तो वापस वही जो मैन इज मॉर्टल दैट मीन्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. सो द सेंट सेट दैट द मैन इज मॉर्टल. ओके. और द सेंट सेट दैट मैन इज मॉर्टल. द टीचर सेट दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947. सो ये इंडिया बिकेम फ्री ये वैसे सिंपल पास्ट में है, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया 1947 में फ्री हुआ था. ये यूनिवर्सल या फैक्ट है.
मतलब ये ट्रुथ है, आप ऐसा कह सकते हो, फैक्ट नहीं है बट ये ट्रुथ है कि भाई इंडिया 1947 में फ्री हो गया था। ठीक है, मानस सेड दैट बाबा वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, टू आर्यन सेड दैट 2 एंड 2 मेक 4, अनीता सेड दैट ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। तो ये भी आप नोट करके रख लीजिए, यूनिवर्सल फैक्ट हो, ट्रुथ हो, वो सब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उनके टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेंटेंसेस एज इट इज आपको रिपीट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी अ क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई जस्ट हैव एन एग्जांपल ओवर हियर, ही सेड वेयर इज शी गोइंग। नाउ हियर रिपोर्टिंग वर्ब इज past tense only, so the changes will be done accordingly. Where she was going, he asked where she was going. Now जब इस sentence से हमने direct से indirect speech में हमने जब change किया तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है questions में, वो आप अच्छे से note down कर लीजिए। जैसा हमने statements में देखा था, जब यहाँ पर अगर reporting verb past में हो तो पूरा जो सब कुछ जो tense है वो past में convert हो जाता है, simple present, simple past continuous और वो सारा कुछ। इसी तरह से pronouns और adjectives में जो भी change होते हैं वो हम सब discuss किए हैं, वो उसमें और इसमें कोई change नहीं है। अब जो मेजर चेंज है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जो क्वेश्चन मार्क है वो रिमूव हो जाता है और ये इज शी इज कन्वर्टेड टू शी वॉज। देखिए पोजीशन पूरी चेंज हो गई, जो हेल्पिंग वर्ब थी इज वो सब्जेक्ट के बाद में चली गई, मतलब ये जो प्रोनाउन है उसके बाद में चली गई। सो वेयर इज शी की जगह वेयर शी वॉज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्वेश्चन मार्क हटना और दूसरा चेंज ये। ठीक है, बाकी टेंसेस में कोई चेंज नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एक तो होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं उसके अलावा वाले क्वेश्चंस। दोनों का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, इन डब्ल्यू एच क्वेश्चंस बोलते हैं, इनका आंसर कभी भी आप करोगे तो कोई ना कोई वर्ड में होगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम स्टडिंग, तो आंसर आपका स्टडिंग निकला, या हु इज दिस माई फादर और हु इज दिस, हु इज दैट, तो कोई भी आंसर जो होगा इसका किसी न किसी वर्ड में या सेंटेंस में होगा। और एक दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। ओके, जैसे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, तो आपका आंसर होगा यस या फिर नो। ओके, सो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो डब्ल्यू एच वाले हो या इस तरह वाले हो, हाउ, वाई, ये, तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में रिपीट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो रिपीट होगा। और अगर जो हमारे क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड वाले नहीं है, ठीक है, तो इफ और वेदर आएगा, या तो फिर इफ या फिर वेदर, दोनों में से कोई हमें चूज करना है। अलग अलग जगह पर हम इफ और वेदर का यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सो इफ या फिर वेदर आएगा, मतलब ये कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में होता है। डिड यू डू योर वर्क, यस या फिर नो। हैव यू हैड योर डिनर, यस या फिर नो। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है या फिर ये सारे क्वेश्चन वर्ड वाले जो इनसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा उसमें सेम क्वेश्चन वर्ड जो है वो रिपीट होगा। और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं है, तो या फिर इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल समझेंगे। वेदर कैन एम्फेसाइज दैट अ चॉइस हैज टू बी मेड। वेदर कैन बी यूज इफ द क्वेश्चन कंटेन्स अ कंडीशनल क्लॉज, एज अदरवाइज देर विल बी टू इफ्स। जैसे कंडीशनल क्लॉज मीन्स जैसे इफ से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे इफ आई गेट द जॉब आई मूव टू मे बी मुंबई। सो इस तरह के जो सेंटेंस है वो कंडीशनल, जिनको हम सेंटेंसेस बोलते हैं, वहां पर हम वेदर यूज करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने जाओगे तो दो बार इफ आ जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स लेंगे, बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन से जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी, और अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन है तो वो
इनडायरेक्ट स्पीच में रिपीट होगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन नहीं है तो या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से होते हैं, दूसरा जिनका आंसर यस या नो में होता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या ट्रीटमेंट होगा ये मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। अभी जब क्वेश्चन के केस में हम डिस्कस करते हैं, तो जब इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है, जैसे ही से है, ही सेड है, ही सेज है या ही सेड है, तो ये जो से है या सेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लगभग जैसे मतलब कोई ना कोई इंक्वायरी हो रही, उस तरह से आपको जो है वो वर्ब यूज करनी है। सपोज आस्क, सो ही सेड है तो वो ही आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, या फिर ही इंक्वायर्ड, ही वंडर्ड, इस तरह से। तो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? आस्क यूज कर सकते हैं, इंक्वायर यूज कर सकते हैं, वंडर यूज कर सकते हैं, या फिर वॉन्ट टू नो यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, और उस वक्त की जो कंडीशंस है या जिस तरह का सेंटेंस है उसके हिसाब से हम ये इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम ट्राई करते हैं। ही सेड टू मी, डू यू प्ले हॉकी? अब उसने मुझसे कहा कि मैं हॉकी खेलती हूँ क्या? तो अभी बेसिकली वो क्या कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि मैं हॉकी खेलती हूँ क्या। ठीक है, और क्वेश्चन आपका डू से शुरू हो रहा है, तो डू यू प्ले हॉकी का आंसर किस में होगा? या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम इफ यूज करेंगे यहाँ पे, इफ या फिर वेदर। लेकिन इफ यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब चॉइस बनाई जाती है तो वेदर ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, सो ही आस्क्ड मी, और जो टेंसेस के चेंज है वो वैसे ही होंगे जैसे स्टेटमेंट्स के वक्त हुए थे। ठीक है, सो ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड हॉकी। ओके, सबसे पहले डू यू प्ले हॉकी, सिंपल प्रेजेंट, तो हमने उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, आई प्लेड हॉकी। क्वेश्चन था इसलिए इफ यूज किया, और फाइनली क्वेश्चन मार्क हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब अच्छे से आपका ग्रिप आ जाएगा इस पे। आई सेड टू हर, आर यू लीविंग टुनाइट? आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज लीविंग दैट नाइट। ओके, बहुत सिंपल है। आई आस्क्ड हर, आई सेड टू हर, मैंने पूछा उससे कि तुम आज रात को निकल रही हो क्या? सो इफ शी वॉज लिविंग दैट नाइट। आर यू लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी वॉज लिविंग पास्ट कंटिन्यूअस, टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। ओके, ही सेड टू हिज फ्रेंड, विल यू लेंड मी 50 रुपीज? ओके, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, इफ ही विल काय में चेंज हो जाएगा, वुड में, ही वुड लेंड हिम 50 रुपीज। ओके, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही वुड लेंड हिम 50 रुपीज। बहुत सिंपल है। ही सेड टू हिज सन, हैव यू सीन द ताजमहल? ही आस्क्ड हिज सन इफ ही हैड सीन द ताजमहल, इफ ही हैड सीन। क्यों? क्योंकि हैव यू सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, सो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, फिर हैवंट यू गॉट अ टेलीविजन सेट? ही आस्क्ड मी, सो ही आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी अगेन इफ आई, हैवंट यू गॉट प्रेजेंट परफेक्ट, तो काय में चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें वहां पर भी नेगेटिव ही रखना है। इफ आई हैडंट गॉट अ टेलीविजन सेट। बहुत सिंपल है। द सर्वेंट सेड, शेल आई ले द टेबल नाउ? द सर्वेंट आस्ट, इफ ही शुड ले द टेबल। सो सिंपली हमने क्या किया,
शेल का शुड, शेल आई लेड ऑन द टेबल, शेल की जगह शुड कर दिया, इफ यूज कर लिया. शेल आई एवर गेट मैरिड, शी. अब यहां पर क्या हो रहा है कि वो उसको मतलब थोड़ा कुछ एक आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि क्या मेरी कभी शादी होगी. ठीक है, तो आप यहाँ पर वंडर्ड यूज कर सकते हो, शी वंडर्ड. मैं जस्ट लिख देती यहाँ पे शी वंडर्ड इफ शी वुड एवर गेट मैरिड. ओके, यहाँ पर शेल का हमने वुड कर दिया, उसको मतलब ऐसा लगा है कि क्या वो कभी भी उसकी शादी हो पाएगी. सो शेल की जगह शुड इफ शी वुड एवर गेट मैरिड, राइट. शेल की जगह हमने वुड यूज किया, नॉट शुड. सो इफ शी वुड एवर गेट मैरिड, कभी भी क्या उसकी शादी होगी. राम सेट टू मी व्हाट आर यू डूइंग, राम आस्क्ड मी. यहां पर आस्क चलेगा, आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग. ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड है. डब्ल्यू एच वर्ड के लिए हमने बताया था कि जो वर्ड है वो एज इट इज रिपीट होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज रिपीट होगा, और जो आर यू का कॉम्बिनेशन है वो आई वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले जो ये जो आर है ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा. ठीक है, मतलब ये जो प्रोनाउन है उसके बाद में आ जाएगा. सो वाई आर यू की जगह वाई आई वॉट आई वॉज डूइंग. ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा. सॉरी, यहाँ पे गलती से लगा दिया. सो वॉट आई वॉज डूइंग, शी सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू, शी इंक्वायर्ड लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर शी आस्ड भी लिख सकते हो. सो शी आस्ड द मैनेजर, आस्क के बाद टू नहीं लगता. सो शी आस्ड द मैनेजर और द स्ट्रेंजर, आई एम सॉरी, स्ट्रेंजर हु ही वॉज, हु ही वॉज. ओके, आर यू जो प्लेसमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, और साथ के साथ में टेंस भी चेंज हो जाएगा. सो हु ही वॉज. द टीचर सेट टू मी विच इज योर पेन, द टीचर आस्ड मी विच माई पेन वॉज, आस्ड मी विच माई पेन वॉज. ओके, तो एक बार ये सेशन पॉज करके आप सारे के सारे वापस करिए, इट वुड बी गुड फॉर यू. लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस. हिज फादर सेड टू हिम व्हाई डिड यू मिसबिहेव, सो हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाई व्हाई डिड यू मिसबिहेव. सिंपल पास्ट है, सो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा व्हाई ही हैड, लेकिन हैड जो है वो ही के बाद में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अभी सब्जेक्ट के बाद में शिफ्ट हो जाएगी. सो व्हाई ही हैड मिसबिहेव्ड. ठीक हैड मिसबिहेव्ड, अब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है. और क्वेश्चन मार्क हमने हटा देना है. सो ही हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड मिसबिहेव्ड. आई सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग, आई आस्क्ड सीता वेयर शी वॉज गोइंग, वेयर शी वॉज गोइंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, और पोजीशन जो है वो बदल जाएगी, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा. राम्स मदर सेट टू हिम हाउ हैव यू फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, राम्स मदर आस्क्ड हिम हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, पोजिशन चेंज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है. हाउ हैव यू फेयर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया. हाउ ही हैड फेयर्ड, राइट. द मैडम सेड टू द बॉयज हुज बुक इज दिस, द मैडम आस्क्ड द बॉयज हुज बुक दैट वॉज, राइट, हुज बुक दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वॉज. ओके, पोजीशन चेंज,
So whose book that was? Remove the question mark. Whose book is this? Simple present. Whose book that was? Simple past. She said to me, how many boys are there in your school? She inquired भी आप कह सकते हो या she asked me भी कह सकते हो. So she asked me, how many boys there were in my school? ठीक है, सारे जो pronouns है उस हिसाब से आप change कर दीजिए correspondingly. How many boys there were in my school? Okay. My father said to me, are you feeling well? अब देखिए, अब यहाँ पर जो आंसर है वो यस नो में आएगा, इसलिए जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम इफ यूज करेंगे कनेक्टर. ठीक है, सो माय फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग वेल. आर यू फीलिंग वेल? प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए हम जब कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पोजिशन चेंज्ड. ठीक है, आर यू, यू, आई वॉज हो जाएगा and question mark will be removed. He said to her, can you lend me your umbrella? He asked her, whether or या फिर if she can की जगह could lend him her umbrella. Okay, he asked her if she could lend him her umbrella. बहुत ध्यान से आप सारे जो यूज करने आपको प्रोनाउंस वो आप ध्यान से यूज करिए. प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव जो भी आपको यूज करने बहुत ध्यान से यूज करिए. जैसे यहां पर her umbrella, because he asked her है तो यहां पर her umbrella है, पजेसिव एडजेक्टिव. ओके, और यहां पर क्योंकि ये पूछ रहा है, मेल पूछ रहा है, इसलिए शी कुड लेंड हिम, यहां पर हमने हिम यूज किया. आई सेट टू हरीश, डू यू वॉन्ट टू सेटल एट कानपुर? अगेन इसका भी आंसर यस नो में होगा, इसलिए अब हम इफ यूज करेंगे. सो आई आस्क्ड हरीश इफ ही वॉन्टेड टू सेटल एट कानपुर. डू यू वॉन्ट टू सेटल एट कानपुर? सिंपल प्रेजेंट, तो कन्वर्ट होके सिंपल पास्ट, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. सो इफ ही वॉन्टेड टू सेटल एट कानपुर. ओके, आई सेट टू द सर्वेंट, वेयर इज माई कैमरा? अब यहां पर आप आई आस्ट भी लगा सकते हो, आई इंक्वायर भी लगा सकते हो, वैसे आस्ट विल बी मोर प्रॉपर. सो आई आस्ट द सर्वेंट वेयर माई कैमरा वॉज. वेयर माई कैमरा वॉज. ठीक है, द टीचर आस्ट गणेश वाई ही वॉज नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन. वाई ही वॉज नॉट टेकिंग टेकिंग द एग्जामिनेशन. Pretty simple. Once again, you should pause the session and practice all the questions so the things will be cleared in your mind once for all. Okay. Let's take one more exercise. What happened to Mr. Sharma? Mr. Sharma said one of the men. Okay. So one of the men asked what had happened to Mr. Sharma. Okay, what had happened to Mr. Sharma? What happened to Mr. Sharma? That's simple past. So what had happened, it will be past perfect. ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी पोजीशन सिर्फ चेंज होगी. व्हाट हैपेंड टू मिस्टर शर्मा? व्हाट हैड हैपेंड टू मिस्टर शर्मा? ओके, व्हिच ऑफ हिज सन्स इनहेरिटेड हिज एस्टेट आस्क्ड अनदर. ओके, सो दिस पर्सन आस्क्ड व्हिच ऑफ हिज सन्स हैड इनहेरिटेड
सन्स पहले आएगा, सन्स हैड इनहेरिटेड हिज एस्टेट. ओके, विच ऑफ हिज सन्स इनहेरिटेड हिज एस्टेट, इनहेरिटेड इज एस्टेट, सिंपल पास्ट, सो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको रिमूव कर देना है. हु इज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस, इनक्वायर्ड अ थर्ड पर्सन और मे बी वॉट एवर इनक्वायर्ड. हु वॉज गोइंग टू लिव इन दैट बिग हाउस, हु वॉज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस. प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया. ठीक है, वॉट विल हैपन टू हिज रेस हॉर्सेस, आस्ट समवन एल्स. सो वॉट वुड हैपन, विल की जगह खाली वुड हो जाएगा. वॉट वुड हैपन टू हिज रेस हॉर्सेस. ओके, विच टीम हैज वन, आस्ट अनु. विच टीम हैज वन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो विच टीम हैड वन, विच टीम हैड वन. ओके, विच टीम वन द प्रीवियस मैच, सेड बिमल. सो अगेन, विच टीम हैड वन द प्रीवियस मैच, विच टीम हैड वन द प्रीवियस मैच. नेक्स्ट इज हु इज प्लेइंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ही आस्ट हु वॉज प्लेइंग द फॉलोइंग वीक, हु वॉज प्लेइंग द फॉलोइंग वीक. ओके, सो हु इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, हु वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस. हु विल बी अंपायरिंग दैट मैच, आस्ट तरुण. ओके, विल बी की जगह वुड बी, सो हु वुड बी अंपायरिंग दैट मैच, हु वुड बी अंपायरिंग दैट मैच. ओके, हु वॉन्ट्स अ लिफ्ट होम, सेट अनीता. अनीता आस्ट हु वॉन्ट्स अ लिफ्ट होम, सिंपल प्रेजेंट है. सो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. सो हु वॉन्टेड, वेरी सिंपल, हु वॉन्टेड अ लिफ्ट. हु हैज जस्ट ड्रॉप्ड अ रूपीज 10 नोट, हैज जस्ट ड्रॉप, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए. वेरी सिंपल, हु हैड जस्ट ड्रॉप्ड, हु हैड जस्ट ड्रॉप. ओके, वेयर इज द टिकट ऑफिस, आस्ट मिसेस जैन. ओके, मिसेस जैन आस्ट वेयर द टिकट ऑफिस वॉज, द टिकट ऑफिस वॉज. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट. ठीक है, वर्ब जो है वो बाद में शिफ्ट हो जाएगी सब्जेक्ट के बाद में. वट शेल आई डू विथ माई हैवी लगेज, शी सेड. ओके, शी आस्ट वॉट शुड शी डू, वॉट शी शुड डू, वॉट शी शुड डू विथ हर हैवी लगेज, वॉट शी शुड डू विथ हर हैवी लगेज. ओके, वॉट प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन लिव फ्रॉम, आस्ट अमित. ओके, वॉट प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन लिव फ्रॉम, सिंपल प्रेजेंट है. सो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वॉट प्लेटफॉर्म द ट्रेन लिफ्ट, द ट्रेन लिफ्ट. ओके, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में. सो वॉट प्लेटफॉर्म द ट्रेन लिफ्ट, अमित आस्ट वॉट प्लेटफॉर्म द ट्रेन लिफ्ट. ओके, When was the timetable changed? I asked. When was the timetable changed? Simple past passive voice है, तो simple past को past perfect में change कर देंगे. So when the timetable had been changed, timetable had been changed.
ठीक है, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, और दिस इज ऑल्सो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, बिकॉज ये पैसिव वॉइस में है इसलिए भी पैसिव वॉइस में. ओके, सो आस्ड वेन द टाइम टेबल हैड बीन चेंज्ड, आई आस्ड वेन द टाइम टेबल हैड बीन चेंज्ड. Why has the 2:30 train been cancelled? Once again, present perfect passive voice है, so present perfect से past perfect में convert करेंगे. So why the 2:30 train had been cancelled? ठीक है, why the 2:30 train पहले आएगा, had been cancelled. Okay? Why does the price go up so often? She wondered. She wondered. अभी why does the price go up so often जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, सो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो why the price went up so often? Price went up so often. Okay. Okay. How can I get from the station to the airport? Said Ayush. Okay, simple present में है. Can जो है वो could में convert हो जाएगा. So how he could get from the station to the airport? How he could? Can की जगह could और subject के बाद में आ जाएगा. So how he could get from the station to the airport? Okay. When are you coming back? I asked them. I asked them when they are coming back. When, I'm sorry, were. When they were coming back. ठीक है? Why are you coming back? Present continuous. They were. So, present continuous है. Past continuous में change हो जाएगा. और subject की position बदल जाएगी. So, why they were coming back. When they were coming back. Okay. Is a return ticket cheaper than two singles? Said my aunt. अब जो question है वो इससे शुरू हो रहा है, मतलब yes no वाला answer होगा, तो अब यहाँ पर हम if use करेंगे, right? So my aunt asked if a return ticket cheaper than two singles. If a return ticket was, I'm sorry, इसकी जगह was हो जाएगा. So if a return ticket was cheaper than two singles. Okay, simple present, simple past में convert हो गया, और क्योंकि question इससे शुरू हुआ है इसलिए अभी हम if use करेंगे. So my aunt asked if a return ticket was cheaper than two singles. Do puppies travel free? अभी वापस इसका भी आंसर यस नो में होना चाहिए, तो हम इफ यूज करेंगे. सो डॉग ऑनर, डू पपीज ट्रेवल फ्री, ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो द डॉग ऑनर आस्ट इफ पपीज ट्रेवल्ड, सिंपल पास्ट, फ्री. ठीक है, इफ पपीज ट्रेवल्ड फ्री. नाउ Can I bring my dog into compartment with me? She asked if she could bring her dog into the compartment. If she could bring her dog, can जो है वो could में change हो जाएगा. So if she could bring her dog into the compartment with her. Does this ट्रेन स्टॉप एट बेंद्रा? आस्ट अभी. ओके, वापस आंसर यस या नो में होगा इसलिए हम इफ यूज करेंगे. सो अभी आस्ट, और ये वापस सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा. सो इफ द ट्रेन स्टॉप्ड एट बेंद्रा. ओके, इफ द ट्रेन स्टॉप्ड एट बेंद्रा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. कैन यू टेलीफोन फ्रॉम इंटर सिटी ट्रेन? सेट द बिजनेसमैन. कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा. सो इफ यू कुड, वापस आंसर यस नो में है इसलिए हम इफ यूज करेंगे. इफ यू कुड टेलीफोन फ्रॉम इंटरसिटी ट्रेन्स, इफ यू कुड टेलीफोन फ्रॉम इंटरसिटी ट्रेन्स. डज द 240
हैव अ रेस्टोरेंट कार. 240 कोई ट्रेन होगी आई गेस. सो डज द 240 ट्रेन हैव अ रेस्टोरेंट कार. तो वापस आंसर यस या नो में होगा, इसलिए हम इफ यूज करेंगे. सो इफ द 240 ट्रेन, सी यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इफ द 240 ट्रेन हैड अ रेस्टोरेंट कार, हैड अ रेस्टोरेंट कार. ओके, सो वंस अगेन सेशन पॉज करके ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिए. बोल करके भी प्रैक्टिस करिए, लिख करके भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी. ओके ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स.